नमस्कार दोस्तों, IOC इंडियन कॉरपोरेशन के शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 1.8% के क्लियर आपको तेजी देखने को मिल रहा है। तो उसी तरह देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक बुलिश कैंडल रहा। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक यहाँ पे के रेंज बना के ट्रेड कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या स्टॉक में यहाँ पे तेजी आएगा, गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ता है तो क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली हम समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो IOC शेयर जब स्टॉक यहाँ पे हाई रहे बनाए के ऊपर बढ़ रहा था, तो ऊपर बढ़ते बढ़ते स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगा था 196। तो उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लगा देख सकते हो 153, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाया देख सकते हो आपके सामने 178 या 179। तो अभी की कंडीशन की अगर हम बात करें स्टॉक यहाँ पे भी काफ़ी समय से एक रेंज बना के ट्रेड कर रहे हैं, और जो सपोर्ट लेवल है आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है 162, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल है आपको यहाँ पे 179 को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 179 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। राइट, जब इसको ब्रेकआउट करेगा यानी कि 179 को जब ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक में एक तेजी का मूवमेंट आपको बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैक्सिमम संभावना की बात करें स्टॉक आपको इस तरीके से मूवमेंट दिखा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। राइट, और अगर ये नीचे भी आता है 153 के पास में तो भी आपको सपोर्ट लेवल पर फोकस करना चाहिए। तो ये दो सपोर्ट लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और आपको देखना चाहिए इन दोनों सपोर्ट लेवल के पास में कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है अगर आपको नहीं पता, एक बार गूगल में सर्च कीजिए या फिर कंटिन्यूसली हमारे वीडियो को देखिए, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टॉक में बाय सेल या होल्ड करने की कोई भी सलाह या सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ जब बनाया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।